चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी टेस्टी बनाना एंड पीनट शेक को बनाने की। जिसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए बनाना, मैं यहाँ पर दो बनाना ले रही हूँ, केले ले रही हूँ, और ये मैंने यहाँ पर ड्राई पीनट्स को इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी ड्राई पीनट्स को ग्राइंड कर लिया था। और ये मैं शुगर ले रही हूँ और एक मग होल फैट मिल्क और वनीला एसेंस एंड डेकोरेशन के लिए टूटी फ्रूटी एंड एलमंड्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बनाना हमारे शेक को। गाइस मैंने ये देखिए केले कट करके यहाँ पर ब्लेंडर में डाल लिए हैं। अब इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हमारी पीनट्स को, जो हमने पीनट्स का ड्राई रोस्ट करके जैसे ग्राइंड कर लिया था। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 किलो का अगर मैं ले रही हूँ तो मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पर पीनट पाउडर ले लिया है। और क्योंकि बनाना में ऑलरेडी स्वीटनेस होती है तो इसलिए हम यहाँ पर शुगर भी उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून ही शुगर ले रही हूँ और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस और ये होल फैट मिल्क इसमें हम डाल देते हैं। गाइस इसमें मैं यहाँ पर तकरीबन पहले इसे एक मग डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसमें दूध कम और ज़्यादा भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। गाइस मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए हमारा कितना अच्छा यमी शेक बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से मीडियम साइज ग्लास ले लिया, पोर कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेड टूटी फ्रूटी एलमंड हम इनको डेकोरेट कर देंगे। गाइस बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और ब्रेकफास्ट के लिए जैसे अगर इंस्टेंटली कुछ ज़्यादा नहीं है और कुछ हेल्दी की रिक्वायरमेंट है तो आप ब्रेकफास्ट में इसको ले सकते हैं, बहुत हेल्दी है। ये देखिए हमारा बनाना पीनट मिल्कशेक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए गाइस हमारा बनाना पीनट शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही यमी ये शेक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंस्टेंट झटपट सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपने देखा है मैंने कैसे इसको तैयार किया, जितनी यमी और टेस्टी ये टेस्ट में होगी उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी है। जैसे कि हम सब जानते हैं बनाना हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बनाना में B6 12 होता है, तो जो कि विटामिन B6 होता है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी डेली रूटीन डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए जल्दी ही फिर मैं इस तरीके की कुछ हेल्दी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। लेकिन उस जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है salmasiddiqui1212 एंड मेरा FB पेज है सिद्दीकी सेंस के नाम से, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।